Hi viewers, welcome to Rasa Wins By. Today I am going to make बची हुई दाल पालक से पराठा. उसके लिए मैंने 3/4 कप दाल पालक बची थी वो लिया है मैंने. उसमें और मसाला डाल के उसमें आटा घोल के रखा है. इसमें 7 पराठा बनती है 3/4 कप दाल पालक में. उसमें आप मसाला आपके हिसाब से आप डाल सकते हो. मैंने जो भी मसाला डाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ. और ये हम पराठा बना के लेंगे. इसकी पराठा रोल आउट किया है, तवा भी गर्म है. मेरे बच्चों को पतला पराठा अच्छा लगता है. आप पराठा जैसा बनाते हैं वही हिसाब से बना के लीजिए. अभी हम इसको सेक लेंगे दोनों तरफ से. दोनों साइड से अच्छी तरह मैंने सेक लिया है पराठे को. अभी ये घर का बनाया हुआ घी है, इसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ. सो हमारा टेस्टी दाल पालक पराठा रेडी है सर्व करने के लिए. ये आप सॉस के साथ या अचार और दही के साथ परोसिए. मेरी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है. और एक अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आती हूँ. तब तक के लिए नमस्कार. खाते रहिए और खिलाते रहिए. और मेरा चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. ये घर में बनाया हुआ घी है, कितनी स्वादिष्ट लग रही है मालूम है.